असलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आज के व्लॉग में। और आज का व्लॉग व्यूअर्स है शारजा जू जा रहे हैं। शारजा जू का मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है, लेकिन अभी कुछ नई चीज़ें बीच में ऐड हुई है, तो जाके आज विज़िट करते हैं, वो हम भी देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अनिक साहब आ जाए हुए स्पेशल साथ में, तो इसको भी दिलचस्पी थी शारजा जू जाने की, तो अभी यहाँ से निकल पड़े हैं। तो रहिए हमारे साथ और देखते हैं आज शारजा जू में कि नई क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, और एंजॉय करते हैं। देखिए वीडियो एंड तक और एंजॉय कीजिए। खनीक साहब के साथ आज, खनीक साहब भी साथ में है। खनीक साहब कुछ बोल रहे थे बीच में थोड़ा शर्माते हुए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो मैं आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ शारजा जू में। मैंने पहले गुरु भाई की वीडियोज़ देखी हैं, बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ। अभी उन्होंने बताया कि कुछ नई चीज़ें भी वहाँ पे ऐड की गई हैं, तो इट्स अमेजिंग। तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे कैसा है, और होपफुली आपको भी इंटरेस्ट पैदा होगा और आप भी जरूर विजिट करेंगे। थैंक यू। तो रहिए हमारे साथ और देखिए वीडियो एंड तक, चलते आगे। तो व्यूअर्स, हमें गूगल ने धोखा दे दिया हुआ है, और वो भी शदीद किस्म का धोखा। जी दोस्तों, तो हमें अभी गूगल ने फंसा दिया है डेजर्ट में, तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। स्पेशल गूगल के साथ भी ये प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारे साथ इतना ज्यादा धोखा किया है कि हमें शारजा जू पार्क दिखा के तो हमें गूगल ले आई है यहाँ पे डेजर्ट में मजरों के बीच में। तो अभी हम आपको मजरे दिखाएंगे जिनमें आपको कैमल्स वगैरह दिखाएंगे, तो बाकी इंशाल्लाह आपको बाद में ढूंढेंगे, बाद में जू ढूंढ के। तो अभी हम आपको कैमल दिखाएंगे कि ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। खलीक साहब कहाँ ले आए हो हमें? अस्सलाम वालेकुम, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आज आपको लेके जा रहे हैं शारजा जू में, तो ये गूगल का स्पेशल, गूगल ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, तो ये हमें ये उमुल क्वीन में एक जंगल में ला के इसने खड़ा कर दिया है। यहाँ पे हर तरफ कच्चा ही कच्चा डेजर्ट में ला के, तो ये पीछे आप देख सकते हैं ये कुछ ऊँट हैं, फार्म हाउस है, और बाकी आसपास सारा जंगल ही जंगल है। तो सारे ऊँट ही है बस, और कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि गूगल को ये जू किसने दिया है, हम तो गूगल पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग भी शारजा जू गूगल में सर्च करें तो काइंडली ये देख लेंगे, अगर ये शारजा जू पार्क उमुल क्वीन आ रहा है तो बिल्कुल भी हमारी तरह की गलती ना कीजिएगा। तो अभी यहाँ पे कुल मिला के ये ऊँट हैं, किसी अरबी ने रखे हुए हैं, फार्म हाउस है, और बाकी ये आप देख सकते हैं ये बिल्ली है। अगर गुलबाज भाई आपको बता सकें, ये बिल्ली है जिसने शेर बनना था। ये है वो बिल्ली जिसने शेर बनना जी, था जी। यही है खलीक साहब जी। और अभी हम आपको वो बिल्ली काला चीता भी दिखाएंगे। गुलबाज भाई अगर आप पीछे, ये काला चीता आ रहा है। क्यों खलीक साहब, बिल्ली बहुत प्यारी नहीं है कि मुझे प्यारी लग रही है? जी जंगल में अगर दो बिल्लियाँ आपको मिलेंगी इतनी दूर आके शेर देखते हुए, तो आपको बिल्लियाँ तो क्यूट ही लगेंगी। तो व्यूअर्स बस इधर यही फार्म हाउस ही है। ये कैमल है, इससे बात करेंगे। हाय खलीक साहब, इससे कुछ बात कीजिए आप। हेलो, हाउ आर यू? कैफुल हाल शुखबारक, मैं खलीक अहमद। मुझे गूगल एक्चुअली लेके आया था शारजा जू में, तो उसने आके मुझे यहाँ पे छोड़ दिया। आप सर इधर रिस्पेक्टेड, आप रिस्पेक्टेड जानवर हैं सर आके, तो आप हमें बता सकते हैं कि अब हम क्या करें? सोच रहे हैं खलीक साहब। जी जी खलीक साहब, ये सोच रहे हैं। बहुत मेहरबानी। ये देख व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कैमल भी परेशान हो गया कि ये बंदे कहाँ पे आए थे और किधर लेके आ गए इनको गूगल। तो देख रहे हैं कैमल भी कितना परेशान दिखाई दे रहा है हमारी इस हजीमत पे। दो बिल्लियाँ वो भी शायद ऊँटों का दूध पीने आई हैं, तो हमने आपको दिखा दी है। खरीक साहब, ये दो बिल्लियाँ अंदर क्या कर रही है? इनका भी आपने इंक्वायरी करनी चाहिए थी आपको। ऐसे इंशाल्लाह जब शेर बनेगी तो यहाँ पे ही वो बन जाएगा, पार्क बन जाएगा, यहाँ पे पार्क बन जाएगा। हाँ, अभी इनको जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है कि ताकि ये शेर बन सके। चलो खरीक साहब, जिस उम्मीद से हम लोग आए थे वो तो उस पर तो पानी फिर गया। चले हम, आप मेरे ऊंट के साथ दो तीन और व्यूअर्स, ये
छोटी गाड़ी लेके हम लोग इस डेजर्ट में आए हैं, गाड़ी के साथ भी ज्यादती करके और अपने साथ भी ज्यादती करके। खलीक साहब, खलीक साहब ऊंटों से भाग के गाड़ी में बैठ गए हैं, क्यों खलीक साहब? खलीक साहब रहते थोड़ा बाहर, मेरा गेट खुला रखना। और इंशाल्लाह शारजा ज़ू दिखाएंगे आपको कल या परसों, किसी टाइम भी हुआ तो वहाँ भी चक्कर लगाएंगे लाजिम। और आज बस ये भी समझो एक एंटरटेनमेंट ही रहा, अच्छी खासा सफ़र किया हम लोगों ने और आके यहाँ पे खलीक साहब ने हमें ऊँटों के साथ मिलवा दिया।